लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में सीपीआईएम कार्यकर्ताओं सहित लोगों ने गांधी चौक पर प्रदर्शन किया। पहले शहर भर में रैली निकाली गई, बाद में गांधी चौक पर सीपीआईएम नेताओं सहित लोगों ने असहनीय हो रही महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। जाहिर है कि इन दिनों महंगाई से हर तबका परेशान है, खाद्य वस्तुओं के दाम काफी बढ़ चुके हैं। ऐसे में गरीब व मध्यम वर्ग के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। इसी मुद्दे को लेकर सीटू नेताओं ने भी संबोधित किया। सीपीआईएम के जिला सचिव जोगिंदर सिंह ने कहा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उससे आम जनता का जीना दूभर हो चुका है, दो वक्त की रोटी मुहैया होना भी मुश्किल हो गई है। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सत्ता में आए हैं तब से महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ये आर्टिफिशियल महंगाई है, इसका पैदावार से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा जब मोदी ने सरकार संभाली थी तो उस समय डीजल पर 2.5 रुपये तथा पेट्रोल पर 3 रुपये एक्साइज ड्यूटी थी। उन्होंने कहा कि अब डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये है जबकि पेट्रोल पर 33 रुपये के आसपास पहुंच गई है। इसी वजह से डीजल व पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है और हर चीज महंगी हो रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कटौती हुई है, बावजूद इसके सरकार ने जनता को राहत देने की बजाय उसे लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरकार 24 वस्तुओं का मूल्य निर्धारण स्वयं तय करती थी, अब सरकार ने इन वस्तुओं को अधिनियम से धीरे धीरे बाहर किया है तथा अब इनका निर्धारण भी कंपनियों को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनियां मनमर्जी से दाम तय कर रही है जिससे किसान अन्न पैदा करता है उसे पैदावार के उचित दाम भी नहीं मिल रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। पार्टी का मानना है कि जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ी है उससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है और दो वक्त की रोटी भी मुहैया होना बहुत मुश्किल हो गई है। इसके विरोध में प्रदर्शन है और हम देखते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से जो है महंगाई लगातार बढ़ ही रही है और ये आर्टिफिशियल महंगाई है, इसका पैदावार के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी जब डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो है डीजल के ऊपर 2 रुपये 30 पैसे और पेट्रोल के ऊपर 3 रुपये एक्साइज ड्यूटी थी जिसको केंद्र सरकार लगाती थी, और अब जो है वही एक्साइज ड्यूटी डीजल के ऊपर 32 रुपये है और पेट्रोल के ऊपर 33 रुपये के आसपास है, और उसकी वजह से जो है जो डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होती है, भाड़े की कीमतों में वृद्धि होती है और हर चीज़ जो है महंगी हो जाती है, मुख्यतः एक वजह रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी कटौती हुई है, बहुत गिरी है, उसके बावजूद मोदी सरकार जनता को राहत देने की बजाय जनता को लूटने का काम किया है। दूसरी तरफ हम एक देखते हैं जो खाने पीने की चीज़ें हैं, सरकार पहले जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो आवश्यक 24 वस्तुएं थी उनका निर्धारण खुद करती थी, उनकी कीमतें खुद तय करती थी, जिसमें खाने पीने की चीज़ें आवश्यक वस्तुएं दवाइयां वगैरह होती थी। मगर अगर अब सरकार जो है धीरे धीरे इन आवश्यक वस्तुओं को उस आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर किया है और इसका निर्धारण करने का काम कंपनियों के हवाले किया है, उसकी वजह से आज कंपनियां दाम तय करती हैं, कल कुछ और काम करती हैं और उसकी वजह से जनता को जो है बेहद लूट की जा रही है। और हमें साथ में एक बात और देखनी है कि जो किसान जो पैदा करता है उसे अपनी मेहनत का दाम नहीं मिल पाता है। वो जो किसान हम देखते हैं जैसे लाल मिर्च पैदा करता है हमारे हमीरपुर जिला के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, जब वो अपना उत्पाद बेचता है तो वही 100 रुपये किलो नहीं बिकता है, पर वही उत्पाद अगर पैकिंग के साथ किसी कंपनी के साथ जैसे MDH के साथ अगर आता है तो वही 800 रुपये किलो के अंदर जो है भाव बाजार के अंदर बिकता है। तो ये बात हमें समझनी है कि सरकार ने जिस तरीके से कंपनियों के हवाले ये खाद्य सुरक्षा कर दी है उन कंपनियों का मुनाफा बनाने के लिए ये महंगाई कृत्रिम तौर पर आर्टिफिशियल तौर पर बढ़ाई जा रही है और उससे जो है जनता परेशान हो रही है। इसलिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है इसके खिलाफ आंदोलन कर रही है, लगातार आवाज़ उठाती रही है और जब तक ये सरकार इस महंगाई को कदम नहीं उठाती है कम करने के लिए ये आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले समय के अंदर जो है ये लड़ाई और तेज होगी।